लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई। पहले आप एक की कंसेप्ट को समझें कि अब तक जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास होते थे वो ए क्रॉस ए टू ए डिफाइंड होते थे, यानी वहाँ पर एक सेट होता था जिसमें एलिमेंट होते थे, उस पर ये बाइनरी ऑपरेशंस हम लिख रहे थे। बट अब हमने जो ए बोला है वो बोला है एन क्रॉस एन, एंड किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। यानी अब जो हम बात करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स पर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो एन क्रॉस एन पर बात कर रहा है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ओपन कैसे होता है, ये ओपन होता है सी कॉमा डी इज इक्वल टू कैसे ए डी, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉमा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। केयरफुली करना है, फर्स्ट की फोर्थ से प्लस सेकंड की थर्ड से कॉमा सेकंड की फोर्थ से, इस तरीके से ओपन होता है। और फिर हमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आप बोलेंगे कि स्टार इज कम्यूटेटिव, देखो हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, स्टार इज कम्यूटेटिव इफ, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता था, जब हम कहते थे कि जो ए स्टार बी है यदि वो बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो हम कहते थे कि वो जो बाइनरी जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। बट ये ए और बी अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इतना चेंज आएगा। तो मतलब ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर आ जाए सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के। तो पहले तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, ये आ गया। राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालो, सी बी प्लस डी ए कॉमा डी बी। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए को आगे लिख लें ए डी, सी बी को लिख लें यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे इसको लिख लें बी डी। तो आप चेक कर लो कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल हो जाते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी जो है वो बराबर है आपका सी कॉमा डी स्टार ई ओके ए कॉमा बी। यानी ऑर्डर को चेंज करने से वैल्यू सेम आ रही है, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव है, दैट इज थर्ड पार्ट। आप बोल रहे सर रिवर्स में कर रहे हो, बिल्कुल, ताकि एक देखो एसोसिएटिव थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ती है, कम्यूटेटिव में आपने इस ऑपरेशन इस बाइनरी ऑपरेशन को खोलना सीख लिया, अब आप एसोसिएटिव के लिए भी कर पाओगे। तो अब कर लेते हैं, स्टार इज एसोसिएटिव आप इस ही ऑर्डर में करेंगे जिसमें दे रखे हैं, मैं केवल समझाने के लिए कम्यूटेटिव को पहले लिया हूँ। वो कब होगा, जब a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी स्टार e कॉमा f बराबर आ जाए a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी स्टार e कॉमा f के। यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव है। क्लियरली समझो, पहले एल एच एस को निकालते हैं, यानी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। जरा चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी
कॉमा बी टी, ये इस तरीके से आ जाएगा। स्टार ई कॉमा एफ कैसे होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ए डी एफ प्लस बी सी एफ और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस बी डी ई और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है बी डी से, ओके इसकी मल्टीप्लाई इससे, दैट इज बी डी एफ, ये आ गया। अब आर एच एस को निकाल लेते हैं, आर एच एस इज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, यहां पर है ए कॉमा बी स्टार, कैसे ओपन होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे सी एफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे डी ई और इसकी मल्टीप्लाई इससे, दैट इज डी एफ। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे ए डी एफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे बी सी एफ प्लस बी डी ई कॉमा इसकी मल्टीप्लाई इससे बी डी एफ, चेक करो क्या दोनों बराबर हैं, बी डी एफ ए डी एफ बी सी एफ बी डी दोनों बराबर हैं। तो आप बोलोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो स्टार इज एसोसिएटिव। अब आ गया इसका सेकेंड पार्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप समझो कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हम निकालते हैं, हम कहते हैं कि यदि ए स्टार ई ए के ही बराबर आ जाए तो इस ई को हम क्या कहते हैं, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो ए और ई सभी है ना वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो हम कहें कि यदि ए कॉमा बी स्टार एक्स कॉमा वाई यदि ए कॉमा बी के ही बराबर आ जाए तो इस एक्स कॉमा वाई को हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो उसी सेट से होता है जहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ज़रा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे ओपन होता है, ए वाई प्लस बी एक्स एन कॉमा बी वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, ये ए के और बी वाई इज इक्वल टू बी यानी वाई की वैल्यू वन। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए, बी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x 0 आ रहा है, 0.1 डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। आप पूछें सर ऐसा कैसे, ज़रा समझो जो नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, दूसरा भी 1 से शुरू होगा। जब आप n क्रॉस n निकालोगे तो 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से करोगे, क्या इसमें कभी भी कहीं भी जीरो आ सकता है, क्योंकि जब वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ही नहीं है तो n क्रॉस n के अंदर आने का तो मतलब ही नहीं होता क्योंकि वो n में ही नहीं है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0.1 वो n क्रॉस n में नहीं होता, तो आप कहेंगे सो स्टार ऑन n क्रॉस n हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कि इसके पास जो है वो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि जो हम निकाल पा रहे हैं वो यहां पर नहीं है, तो इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है।